देख रही हैं उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्माती जा रही है 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने को लेकर। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि आज उस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ अंजलि लाइव जुड़ चुके हैं जो कि सुभाषपा के उपनेता हैं, विधानमंडल दल के बेदी राम जी विधायक हैं और उपनेता हैं, हमारे जनता टीवी के लिए विधानसभा छोड़ के बाहर आए हैं। इनसे भी चर्चा करना जरूरी क्योंकि अपने समाज के लगातार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये मुद्दे को उठाएंगे कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने देखा कि कैसे वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे उन 17 पिछड़ी जातियों को हम अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति में शामिल करें, उनके हक हक उनका दिला सके। इस पर भी बात कर लेते हैं अंजलि जी कि क्या इनका कहना है। बेदीराम जी आज चौथा सत्र है, लगातार हंगामे का आसार है, आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आप लोगों का कहना है कि 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उसको अनुसूचित जाति में शामिल, क्या माना जाए, क्या चर्चा जो है वो संभव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतिहास में जब से देश आजाद हुआ पहली बार विधानसभा में औरतों को, महिलाओं को बोलने का पूरा दिन और स्वतंत्र रूप से बोलने का मौका मिला, इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये नहीं कि दो बात रखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरा पूरा समय है, जितना बोलना हो उतना बोलिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सावित्री बाई फूले ने सबसे पहले शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था और फातिमा बेग ने लड़ा था, इस उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए शिक्षा का जो बराबर का अधिकार है, महिलाओं को सशक्तिकरण का अधिकार है और महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, सुभाषपा को 12 सीटें मिली थी, उसमें सुभाषपा ने चुनाव लड़ा लेकिन एक भी महिला सशक्तिकरण के तहत किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों? ऐसा है कि पहली बात तो SC का ही टिकट दिया गया, जो उसमें 12 SC थे, 4 जनरल थे। अब आगे जो है हमारी सोच यही रहेगी कि हम महिलाओं दे, और महिलाओं को दिया भी गया है, दिलाया भी गया है और दिया भी गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तारीफ के पुलिंदे बाद रहे, क्या माना जाए कि आप यो मुख्य भाजपा से गठबंधन करने वाले हैं? नहीं, हमारा गठबंधन तो जनता से है, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ और आने वाले समय में भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ। चर्चा बहुत जोर से कि जल्दी मिलने वाले, अब चर्चा जो है, चर्चा है तो इसके लिए पब्लिक है, कहती है तो उसको तो मैं रोक, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो 17 पिछड़ी जातियां हैं जिसको अनुसूचित जाति में शामिल कराने के बाद, क्या आज उस पे लेकर चर्चा का संभावना है? देखिए, ऐसा है कि 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने राजभर जाति को ST में शामिल करने का आदेश दिया था, उसके लिए हम लोग मिले भी थे और विधानसभा में चर्चा हुई थी और हो सकता है कि आज भी चर्चा हो सकती है। मतलब क्योंकि ये आखिरी दिन में उसको कार्यक्रम में रखा गया है, प्रदीप दुबे जो प्रमुख सचिव, उनका मैंने सूची देखा, उसमें इसको शामिल किया गया, कार्य मंत्रणा में इसको लिया गया था, लेकिन देखिए समय कम था, 60 था, लेकिन सब लोगों ने, सरकार ने और हम लोगों ने सारी बातों को रखा और सुना गया। अब सत्र छोटा, राम जी संविधान तो आदेश नहीं देता है कि राज्य सरकार इसको परिभाषित कर सकती है या सर्कुलेट कर सकती है, किस चीज को? जो 17 पिछड़ी जातियां हैं उसको कैसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि राज्य के पास तो अधिकार नहीं है। राज्य के पास अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाता है। कितनी सरकारें तो ऐसे होती है, पुलिंदा देती हैं कि हम 17 जातियों को ST में शामिल कर दिया, लेकिन वो केवल वोट लेने के लिए करते हैं, लेकिन सपा, ये जो कोई और नहीं किया था, सपा से जिसकी आप 2-4 महीने पहले मुलाकात किए थे, समझौता किए थे, उसने किया। नहीं, बसपा ने भी किया था, बसपा ने तो इसलिए किया था ना कि दलितों को अगर आप अधिकार देंगे, उनका आरक्षण आप अगर बढ़ाते हैं तब उनको अधिकार देगा, बसपा ने कोई आपके लिए बिल्कुल जाहिर तौर पर आज हंगामेदार रहने के आसार है और कई मुद्दे अहम है जो की जाहिर तौर पर तस्वीर यहाँ पर बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जया, इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए। एक और बड़ी खबर